गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडिया साइज एंड लोकेशन, और हमने उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आइसलैंड ग्रुप्स के बारे में कि इंडिया के अंदर कौन कौन से आइसलैंड ग्रुप्स हैं। तो इंडिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है उसमें हमारा आइसलैंड ग्रुप है अंडमान एंड निकोबार, ये किस में है, बे ऑफ बंगाल में। और जो साउथ वेस्ट पार्ट है उसमें कौन सा हमारा लक्षद्वीप है, जो कहाँ है, अरेबियन सी में है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारा है बे ऑफ बंगाल, और ये है हमारा अरेबियन सी। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर है हमारा कौन सा आइसलैंड, लक्षद्वीप। और यहाँ पर ये जो है, ये है हमारा आइसलैंड कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड हो गई इंडिया की, साउथ ईस्ट, यानी कि साउथ ईस्ट साइड में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार, जो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। और साउथ वेस्ट में कौन सा है, लक्षद्वीप है, जो अरेबियन सी में है। इंडिया के साउथ मोस्ट पॉइंट की बात करूं मैं, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया यूनियन, यहां पे आपको समझना है इंडिया यूनियन का मतलब। इंडिया यूनियन का मतलब है ये पूरा इंडिया, इसमें आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भी आइसलैंड इसके अंदर शामिल है यूनियन के अंदर। तो जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर है, यहाँ था जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में सबमर्ज हो गया, यानी कि समुद्र के अंदर डूब गया। तो वही मैंने लिखा है साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट, इट्स गॉट सबमर्ज अंडर द सी इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो ये स्टार्ट करेंगे इंडिया साइज, इंडिया की साइज के बारे में। तो इंडिया के टोटल एरिया की बात करूंगा तो ये अप्रॉक्स कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है, अप्रॉक्स है। अगर मैं एक्यूरेट की बात करूं तो ये 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अप्रॉक्स में अगर मैं बात करूंगा तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया का कितना परसेंट है, तो शेयर इन अ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अ 2.4%, यानी कि वर्ल्ड का जितना भी एरिया है, लैंड एरिया, वर्ल्ड का जितना भी लैंड एरिया है उसका 2.4% किसके पास में है, इंडिया के पास में है। इंडिया एरिया वाइज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू द एरिया। तो जब सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, यानी कि इससे पहले 6 कंट्रीज होंगी जो इससे बड़ी होंगी, तो वो कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर पर हमारी आती है रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर USA, फोर्थ पर चाइना, फिफ्थ पर ब्राज़ील, सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है। अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं, लैंड बाउंड्री समझिएगा कि जैसे कि ये यहाँ से, ये इंडिया की ये जो बाउंड्री है, जो ये किसी दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करता है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम लोग कहाँ, क्या बोलते हैं, लैंड बाउंड्री बोलते हैं। ये कहाँ तक है आपकी, यहाँ तक ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको हम बोलते हैं लैंड बाउंड्री। और ये कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो लैंड बाउंड्रीज की कितनी है, 15,200 किलोमीटर। इसकी कोस्ट लाइन का मतलब समझिएगा कि ये जो समुद्र से घिरा हुआ जो एरिया है, ये वाला लाइन है ये वाली, ये जो कोस्ट लाइन है, इसमें हमारी, इस कोस्ट लाइन के अंदर ये इन आइसलैंड्स की जो कोस्ट लाइन है वो भी इनके अंदर इंक्लूडेड है। ये टोटल कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, क्लियर है। अब मैं बात करूँ इसके लिए रिलीफ्स की, तो इंडिया के अंदर माउंटेन्स हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में देख लूँ मैं तो ये जो पार्ट है, ये वाला, ये पूरा यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं। इसके नीचे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर क्या है, प्लेट्यूज़ हैं और प्लेन्स हैं इंडिया के अंदर। अगर हम लोग बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में, मैंने आपको पहले ही बता दिया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का, एंड इट्स रोल इज इन्फ्लुएंस द टाइम ऑफ द कंट्री। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ के बीच में से जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं GMT,
ठीक है। ये जीएमटी पर जो टाइम होता है, उस टाइम से जितने लॉन्गिट्यूड्स हम लोग आगे चलेंगे उन सारे लॉन्गिट्यूड्स में 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। कितने मिनट्स का डिफरेंस आता है? 4 मिनट्स का। तो जो इंडिया का टाइम है जो ग्रीनविच यानी कि जीएमटी से अगर मैं लगाता हूँ तो कितना है? 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है। यानी कि अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं किसी समय पर, तो उस समय पर यहाँ पर कितने 5:30 होंगी, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया की बात करूँगा तो ये कितना है? 82° 30' ईस्ट। इंडिया शेयर करता है लैंड बाउंड्री, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया यहाँ से ये इसकी क्या है? लैंड बाउंड्री है। तो ये कई सारी कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। वो कौन कौन सी कंट्री हैं वो हम देखते हैं। तो इंडिया शेयर द लैंड बाउंड्री विद अस 7 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान एंड अफगानिस्तान। क्लियर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने आपको पहली क्लासेस में बता दिया था कि ये 8 स्टेट्स में से होकर पास होती है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।